अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं स्पेशली सेकेंड हैंड, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है या फिर आपके रुपए वेस्ट हो सकते हैं। कोई भी सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने से पहले आपको उसके अंदर काफी सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो उस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी 6 चीजें जो कि आपको यूज लैपटॉप परचेज करने से पहले पता होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो या फिर आपके रुपए बच सके। फर्स्ट, फिजिकल एंड फंक्शंस। सबसे पहले आपको लैपटॉप को चेक करना है, क्या उसके अंदर कोई स्क्रैच है, या उसके अंदर कोई खराब है, या फिर कोई टूटा हुआ है, क्या उसके अंदर उसके सारे पोर्ट्स हैं और वो पोर्ट्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। चार्जिंग पॉइंट उसका कैसा है, क्या उससे चार्जिंग हो रही है, और जो चार्जिंग हो रही है क्या उस स्पीड के अंदर हो रही है या फिर कोई खराबी है। लैपटॉप का जो कीबोर्ड है आपको इसको पर्सनली चेक करना होगा। आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं और उसमें सारी की को आपने प्रेस करना है, क्या सारी सही से काम कर रही है, कोई बार तो नहीं आ रही है। साथ ही में ट्रैक पैड है, क्या वो सही से काम कर रहा है सही से, और ट्रैक पैड के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपको खुद पर्सनली ही चेक करनी पड़ेगी तो ही आपको समझ आने वाला है। इसमें हम छोटी से लेकर बड़ी चीजें सारी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले ये कुछ छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये भले ही छोटी हो बट ये काफी सारी इंपॉर्टेंट भी हैं। लैपटॉप के अंदर एक और मेन चीज उसका फैन भी होता है। फैन जो लैपटॉप के अंदर हीट बनती है उसको बाहर फेंकता है, तो क्या उसका जो फैन है वो सही से काम कर रहा है। कई बार उसका एयर थ्रो कम हो सकता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्या वो ठीक से काम कर रहा है। अब कोई पावरफुल सॉफ्टवेयर या फिर कोई वेबसाइट को चेक करना है जिसे उसका फैन ऑन हो जाए और वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है आपको पता चल जाए। सेकंड, प्रूफ ऑफ सेल और परचेस। जब भी आप कोई भी लैपटॉप को परचेस कर रहे हो तो आपको उसका सेल का प्रूफ या फिर परचेस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आपके पास उसका बिल होना चाहिए, आप उसे मांग सकते हैं। अगर उसके पास बिल नहीं है तो शायद इसके अंदर कोई समस्या हो सकती है। कई बार ये जो लैपटॉप है ये चोरी का हो सकता है या फिर कोई ओवर फ्रॉड का हो सकता है, कई बार ये EMI वाला भी हो सकता है, तो आपके पास उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, डिस्प्ले। लैपटॉप की डिस्प्ले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है क्या वो ठीक से काम कर रही है। आपको चले जाना है टेस्ट माई स्क्रीन वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट आपको बताने वाली है क्या उसके अंदर कोई डेड पिक्सल है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है, या इसके पिक्सल्स कैसे हैं, या स्क्रीन के अंदर कोई और समस्या है, इसके कलर सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो स्क्रीन के बारे में आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, आप इसे समझ पाएंगे क्या इसकी डिस्प्ले ठीक है या फिर नहीं है। साथ ही में आपको पर्सनली भी चेक करना है क्या वो आपको दिखने में ठीक लग रही है, उसके एंगल्स कैसे हैं और उसका जो एक्सपीरियंस है ये ओवरऑल कैसा है। और परफॉर्मेंस, अब जो उसकी परफॉर्मेंस है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करती है, आप कितने रुपए का परचेस कर रहे हैं और आप वो किस हिसाब से उसको परचेस कर रहे हैं, आपका पर्पज क्या होने वाला है, तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा। बट आपको ये देखना है जो उसका OS है क्या वो ठीक से काम कर रहा है, आपको ये भी देखना है लैपटॉप कितना ज्यादा ओल्ड हो चुका है, क्या उसके अंदर अपडेट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, उसका जो OS एंड UI है क्या वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो लैपटॉप का प्रोसेसर का नेम होता है उसके लास्ट में आपको UP और H देखने को मिल सकता है। UPH के कुछ मीनिंग होते हैं, अगर किसी लैपटॉप के प्रोसेसर के लास्ट में यू लिखा है तो इसका अर्थ है ये कोई हैवी टास्क के लिए नहीं बना है, ये नॉर्मल यूज के लिए बना है। आप इसके अंदर एडिटिंग और कुछ बड़े काम भी कर पाएंगे बट वो सही से काम नहीं करने वाले हैं, वो अटककर चलने वाले हैं, तो हैवी यूज के लिए यू वाले नहीं होते हैं। इसके बाद आपको एक और लिखा मिल सकता है P, इसका अर्थ है ये हैवी टास्क के लिए बने हैं बट बिल्कुल एक्सट्रीम हैवी टास्क के लिए नहीं बने हैं, बट आप इसके अंदर एडिटिंग कर पाएंगे, कोडिंग कर पाएंगे और लगभग सारी चीजें कर पाएंगे जो कि आप कोई प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर करते हैं। अगर किसी लैपटॉप के प्रोसेसर के लास्ट में H लिखा है तो इसका अर्थ है आप एक्सट्रीम हैवी टास्क इसके अंदर कर पाएंगे, आसानी से सारी चीजें काम करने वाली हैं, जैसे कोडिंग, गेमिंग, एडिटिंग और सब चीजें काम करने वाली हैं। अगर आप यू वाला परचेस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगा और आपको उसके ज्यादा पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। अगर ये चेक करना है कौन सा प्रोसेसर है, दिस पीसी के राइट पे टैप करना है, प्रॉपर्टीज पे टैप करना है, आपको देखने को मिल जाएगा ये कौन सा प्रोसेसर है। फाइव, इंटरनल थिंग्स। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं जो शायद आपको देखने में छोटी लगे बट मोस्ट इंपोर्टेंट ये होने वाली है। इसमें जो पहली है वो आती है वाईफाई और ब्लूटूथ। आपको खुद पर्सनली चेक करना है क्या उसका जो वाईफाई है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसका जो ब्लूटूथ है क्या वो ठीक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आज के टाइम में सारे वाईफाई का ही यूज करते हैं लैपटॉप के अंदर, तो अगर उसके अंदर वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई सी समस्या आ रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लैपटॉप का पूरा वेस्ट ऑफ मनी जाने वाला है, तो वो खुद पर्सनली ही चेक करना पड़ेगा वाईफाई ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है लैपटॉप का कैमरा। अगर कोई विंडोज लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो मोस्टली चांस है जो उसका कैमरा है वो बकवास ही होने वाला है। मोस्टली जो कैमरा होते हैं लैपटॉप के वो बेकार ही होते हैं, आपको अलग से यूज करना पड़ता है, बट आपको ये चेक करना है कम से कम वो काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, या फिर जो उस कंडीशन के हिसाब से उसको ठीक होना चाहिए
क्या वो ठीक है या फिर नहीं है। बिल्कुल वो डैमेज नहीं होना चाहिए, कम से कम वो काम तो कर रहा हो, साथ ही में उसका माइक भी काम करना चाहिए, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। मोस्टली लोग आजकल लैपटॉप को मीटिंग के लिए फिर क्लास के लिए यूज करते हैं, तो माइक और कैमरा आपको जरूर चेक करने चाहिए। साथ ही में लैपटॉप में आपको कौन सी रैम मिल रही है, कौन सी स्टोरेज है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अंदर कितनी रैम है, साथ ही में वो रियल है या फिर नहीं है, आपको ये भी देखना चाहिए। क्या उसके अंदर SSD है या फिर SSD है, ये भी देखना चाहिए। अगर SSD आने वाली है तो फास्ट होने वाला है, बट जो HDD वाले होते हैं ये काफी ज्यादा स्लो होते हैं। बट जो ओल्ड वाले लैपटॉप है उन सभी के अंदर मोस्टली आपको HDD ही देखने को मिलती है, बट SSD है तो ये काफी अच्छा रहने वाला है, आपको उसके अंदर जरूर वेरीफाई करना चाहिए। साथ ही में दिस PC पे राइट टैप कर आप प्रॉपर्टीज पे जाना है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा जो उसकी विंडोज है ये रियल है या फिर नहीं है, या फिर कौन सी वाली है, लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर कौन है, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ आपको ये देखना है क्या उसके अंदर आप रैम और स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, उसके अंदर कितने स्लॉट दिए गए हैं या फिर जो भी उसके अंदर स्लॉट हैं वो कितनी सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट ना हो, या फिर जो उसके अंदर स्लॉट हो वो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंड को सपोर्ट ना करते हो, तो आपको ये भी चेक करना है, शायद आपको फ्यूचर में उसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। 6 बैटरी लैपटॉप का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये बिना बैटरी के लैपटॉप काम ही नहीं करने वाला है, आपको जरूर चेक करना है बैटरी सही है या फिर नहीं है। अदरवाइज बैटरी के अंदर कोई खराबी हुई तो वो काफी ज्यादा महंगी रिप्लेस होने वाली है, और कई बार आप उसको रिप्लेस भी करवाते हो तो भी वो सही से काम नहीं करती है। वैसे काफी सारे सॉफ्टवेयर और कमांड भी आती है जिससे आप बैटरी को चेक कर सकते हो, बट वो सही से कई बार काम नहीं करती है, तो आपको बैटरी को मैनुअल ही चेक करना पड़ेगा, आप उसके अंदर कोई हैवी टास्क को रन कर सकते हैं। अब खुद पर्सनल देखना है उसकी बैटरी कितना बैकअप दे रही है, कितनी देर काम कर रही है, अदरवाइज आपको उसको परचेस नहीं करना है बैटरी खराब है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। चाहे यूज लैपटॉप ले रहे हो या फिर न्यू लैपटॉप ले रहे हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बाकी कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।